अब जब न्यूज हिंदी ब्रेकिंग। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स गौतम गंभीर और श्रीसंत के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुआ यह विवाद अब सोशल मीडिया पर जारी है। कभी श्रीसंत वीडियो पोस्ट के जरिए गौतम गंभीर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, तो कभी गंभीर पोस्ट के जरिए इस विवाद में घी डालने का काम करते हैं। 6 दिसंबर 2023 की शाम सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस दौरान इंडियन कैपिटल्स के गौतम गंभीर और गुजरात जायंट्स के श्रीसंत की आपस में कहां सुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि साथी क्रिकेटर्स और अंपायरों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद सोशल मीडिया पर लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले श्रीसंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए गौतम गंभीर पर कई आरोप लगाए। उनकी इस पोस्ट पर पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी ने भी गंभीर को बहुत कुछ सुनाया। भुवनेश्वरी ने यहां तक कह दिया कि परवरिश बहुत मायने रखती है। इस पोस्ट के बाद गौतम गंभीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक हंसती हुई तस्वीर लगाई और लिखा कि जब दुनिया सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करे तो बस मुस्कुराइए। गंभीर के इस पोस्ट के बाद श्रीसंत और तिलमिला गए और उन्होंने यहां इस दिग्गज बल्लेबाज को खूब खरी खोटी सुनाई। श्रीसंत ने लिखा है, आपने एक खिलाड़ी और एक भाई की सीमाओं को पार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बाद भी आप हर क्रिकेटर से उलझते रहते हैं। आपको समस्या क्या है? मैंने बस मुस्कुरा कर देखा और आपने मुझे फिक्सर करार दे दिया। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? आपको इस तरह से बोलने और कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने अंपायरों को अपशब्द भी कहे, फिर भी मुस्कुराने की बात करते हैं। श्रीसंत लिखते हैं, आप एक अहंकारी और पूरी तरह से क्लासलेस शख्स हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी आप में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं है। कल तक मैं हमेशा आपके और आपके परिवार के प्रति सम्मान रखता था। आपने अपमानजनक शब्द फिक्सर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 7 या 8 बार किया। यहाँ तक कि आपने लगातार मुझे उकसाने की कोशिश करते हुए अंपायरों और मेरे प्रति एफ शब्द का इस्तेमाल भी किया। मैंने क्या सहा है ये जिस जिस ने महसूस किया होगा वह आपको कभी माफ नहीं करेगा।